हेलो दोस्तों, मैं अनिल छिबड़े और आप देख रहे हैं इसी क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए, यहाँ पर कीजिए। और वो जो लाल ऑप्शन दिख रहा है ना बटन का सब्सक्राइब के बाद जो आता है तो उस पर क्लिक कीजिए। क्या होता है कि अगर अभी जो मेरी वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इसमें इतना कुछ कहने की तो टॉपिक तो ज़्यादा मेरे पास है नहीं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो इस पर आधारित है कि मैं कुछ मेरी खुशी जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो जो मेरी खुशी के लिए जो मेरा टॉपिक है वो है मेरे सब्सक्राइबर्स। जी हाँ दोस्तों, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं और मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपका जो मेरे को जो मेरे चैनल का जो आपका प्यार है वो ऐसे बना रहे और भी बढ़े। जो भी नए यूज़र्स है टिकटॉक जो सॉरी टिकटॉक बोला क्या मैंने, तो यूट्यूब जो देखते हैं जिसको एडिटिंग की जिनको एडिटिंग की जानकारी चाहिए तो वो मुझसे ले सकता है, क्योंकि मेरे चैनल्स पर हर तरह की एडिटिंग की वीडियोस डाली जाती हैं। तो अगर आप भी एडिटिंग में थोड़ा फार इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आपको भी अच्छा लगता है एडिट करना लेकिन आपको पता नहीं कि एडिट कैसे किया जाता है, उसमें इफ़ेक्ट कैसे डाले जाते हैं, किस कौन सी फ़ोटो को कैसा इफ़ेक्ट देना चाहिए, या फिर जो कि फ़िलहाल टिकटॉक में जो ट्रेंडिंग वीडियो चल रहे हैं टेक्स्ट एनिमेशन के या फिर वीडियो एनिमेशन के ट्रांजिशन के, तो इस तरह की हर तरह की वीडियो मैं बनाता हूँ दोस्तों। लेकिन क्या है ना, फ़िलहाल मैं नया नया हूँ मार्केट में, तो मार्केट में नई चीज़ें आने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है ना उसको ग्रो होने में। तो इसी तरह ही मेरा भी वैसा ही कोई प्रोडक्ट होगा शायद इसी क्रिएशन। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार हो तो दोस्तों कि भगवान का ऐसा ही हो कि आपकी जो आपका जो प्यार है ऐसा ही बना रहा तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। अगर ऐसा ही आपका प्यार बना रहे तो मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा, मुझे भी आगे वीडियो बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि यार हाँ यार मुझे बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो यही कारण रहता है दोस्तों। लेकिन कैसा है कि कुछ लोग करते नहीं है सपोर्ट, कहते हैं कि सब्सक्राइबर कितने इसके 100-150 सब्सक्राइबर है क्या देगा। नहीं दोस्तों, देने को तो बहुत कुछ रहता है लेकिन कम क्या पड़ता है कि सब्सक्राइबर्स। क्या लगता है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती लाइक मत करो, लेकिन मैंने कंटेंट तो दे दिए ना अच्छे अच्छे जो चाहिए आपको। अगर आपको उससे भी कुछ अच्छा चाहिए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं यार, ऐसा भी कुछ रहना। लेकिन नहीं यार, कोई करता ही नहीं है। आप क्या करते हो, बड़े बड़े यूट्यूबर को लेते हो, हाँ 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स वाले 1.5 करोड़ उनके जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है उसको ही सब्सक्राइब करते हो, छोटे यूट्यूब को आप अनदेखा कर लेते हो। ऐसा ना करें यार, क्योंकि छोटे यूट्यूबर को भी चांस देना चाहिए। कैसा है कि रोड के साइड थोड़ा सा खिड़की से आवाज़ आता रहता है, कोई गाड़ी जाती है, कोई भाजी वाला आता है, ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ कि यार क्या कि बीच में कोई आता है और थोड़ा वीडियो का मज़ा ही खराब कर देता है। तो कुछ इस तरह सा, तो सच्ची में दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिए। कैसा है कि नए नए टॉपिक्स जो आपको चाहिए जब आप मुझे बताओगे तभी मैं आपके जो प्रॉब्लम्स है जो कि आपको चाहिए वो ला सकता हूँ। लेकिन आप मुझे कुछ बता ही नहीं रहे तो मैं क्या लेके आऊँगा यार, कि मैं मन से मैं थोड़ी अंतर्यामी थोड़ी हूँ कि आपके मन में ये ऐसा चल रहा है कि आप ये बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए। यार आप अंदर ही अंदर मत बोलो ना, आप उसको कमेंट में करो, कमेंट में लिखो, मेंशन करो उसको। मेंशन करने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि भाई आपको ये चाहिए, समझे ना। तो अगली वीडियो आपको जो भी चाहिए जिस बारे में भी चाहिए कि आप उसको कमेंट कीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपके कमेंट को रिप्लाई आएगा, ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा आपकी कमेंट का, अगले वीडियो में रिप्लाई दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे भाई ने ऐसा ऐसा कमेंट किया था, उसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, जो कि मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा ना जो भी उसका प्रॉब्लम हो। अभी फ़िलहाल मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि टिकटॉक पर ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है कि स्मोक एनिमेशन जो रहता है टेक्स्ट में, अभी इसके पीछे वाले वीडियो है, तो उसने कॉल करके बुलाया, दोस्त ही था मेरा, तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है भाई कि वो कैसे बनाया जाता है। तो
उसका कोई प्रॉब्लम था कि फ़ोटो का जो मैंने लिंक दी थी तो उसने क्या कहा कि उसका जो लिंक ओपन किया, लेकिन उसने क्या किया कि उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है भाई, उसको जो लिंक ओपन होती है जब वो फ़ोटो आती है सामने तो उसको टैप करके रखना है। टैप करने के बाद डाउनलोड इमेज बोलता है वो, तो डाउनलोड इमेज करने का है आपको, उसका स्क्रीनशॉट लेने का। वो ट्रांसपेरेंट इमेज है, ट्रांसपेरेंट इमेज का स्क्रीनशॉट लोगे तो ट्रांसपेरेंट रहता ही नहीं है भाई। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, अगर आप वैसा कमेंट में बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना अभी इस भाई ने मेरे को कॉल किया। तो चलिए अगले वीडियो में उस अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगर आप मुझे मेरी गलतियाँ कमेंट में बताओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बता दे रहो, क्योंकि कैसा है मैं भी उसमें कुछ सुधार ला सकता हूँ ना। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे मैं कैसे जान नहीं पाऊँगा ज़्यादा मैं क्या होता है होता है कैसा है नया यूज़र ना, इसलिए। तो आशा करते हैं कि अगली बार जो मैं वीडियो बनाऊँगा ऐसे ही 200 सब्सक्राइबर मेरे बाद में आऊँगा तो चलता है, ऐसे ही चला लूँगा मैं क्या। लेकिन नए यूज़र जो रहते हैं यूट्यूब के यार, वो करते क्या है कि कुछ वीडियो डालते हैं, उनको रिस्पांस नहीं मिलता, व्यूवर्स नहीं आते, लाइकर्स नहीं बढ़ते। तो उसका प्रॉब्लम क्या रहता है कि यूट्यूब भी जो है वो नए यूज़र को चांस देता है, लेकिन उतने उसके वीडियो वायरल नहीं हो पाते, क्योंकि उसके पास वीडियो ज़्यादा नहीं रहते। क्योंकि रहता भी है ना कि आप क्या करते हो कि आज एक वीडियो डालते हो फिर उसके लिए बीच में छोड़ देते हो उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको YouTube पे कंटिन्यू रहना पड़ता है, एक दिन दो दिन मैं हर रोज़ आप एक ना एक वीडियो डालते रहो, जिससे कि आपके टिकटॉक पकड़ लिया मेरे को। तो YouTube का जो आपका प्रोग्रेस है वो अच्छा रहता है, चांद हो ना नहीं आ रहे व्यूवर्स कोई बात नहीं, लाइक्स नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप YouTube पर जो वीडियो अपलोड करना छोड़ रहे हो ना वो नहीं करना, आपको YouTube पर वीडियो अपलोड करते ही रहना है, समझ गए मेरी बात। वैसे मैं भी नया हूँ, मेरा जो चैनल है वो 2 साल पुराना है। अभी इस लॉकडाउन में सोचा कुछ करे तो कुछ करने को है नहीं, तो है आपने YouTube बाबा, तो चले YouTube बाबा पे कुछ सर्च करते हैं। तो पता चला कि यार ऐसे कुछ रिकॉर्ड टेक्निक काम करने से पहले, सॉरी मैं मराठी में बोला क्योंकि मुझे हिंदी उतनी आती नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो ऐसा भी कुछ करने को है नहीं, एडिटिंग का शौक है तो सोचा एडिटिंग के बारे में अगर दुनिया को बताएं तो अच्छी बात है ना, कि बहुत लोगों को कुछ इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो चलिए अपना ज्ञान दूसरों में बांटे, ऐसे ज्ञान बांटने देने देने से बढ़ता है। तो चलिए अपना ये जो एडिटिंग का ज्ञान है वो मैं यूट्यूब पर सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसी तरह मैं यूट्यूब पर आ गया। नहीं तो मेरे भी चैनल पे कुछ भी मैं डाल देता था ऐसा कुछ भी, तो वैसे नहीं करने का आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो सब एडिटिंग के बारे में, कुछ टेक्निक के बारे में होगी। अभी तो लॉकडाउन है इसलिए कुछ ज़्यादा तो टेक्निक के वीडियो नहीं बना पाऊँगा मैं, मेरा तो अभी एडिटिंग वाले ही वीडियो बनाऊँगा। नहीं तो मेरे पास बहुत से ऑप्शंस थे, जैसे कि हमारे एक शोरूम है इलेक्ट्रिकल बाइक का, थिंगवर का, तो उस पर भी मिनी लिथिनो स्ट्रॉन्ग ZX इसके बारे में मेरे को वीडियो बनानी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण हमारा शोरूम जो है वो बंद है। जब लॉकडाउन हटेगा तो मैं उसके बारे में आपको इलेक्ट्रिक की जो बाइक्स रहती है उसकी भी बेनिफिट आपको बताऊँगा कि वो किस तरह काम करती है, आपको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए शायद मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है, कुछ ज़्यादा सूझ नहीं रहा है मुझको, नया हूँ ना। तो ठीक है, फिर से एक बार मेरे जो 100 सब्सक्राइबर है उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलेगा ऐसे तो मैं 200 सब्सक्राइबर पर वीडियो बनाऊँगा। तो जल्द से जल्द आप मुझे समझ सकते हैं आप, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।